मैं क्या बताऊं? की न्यायपालिका पर और स्कूल के संविधान पर हम सबको भरोसा करें भाई, इंशाअल्लाह हमारी जीत। प्रयागराज में कांग्रेसी नेता हसीब अहमद अपने पूर्वजों की कब्र पर पहुंचे और नागरिकता के सबूत मांगे। बता दें कि हसीब नागरिकता कानून के विरोध में पहुंचे हैं। आप लोग यहां क्यों आए हैं? एनआरसी और सीए के मुद्दे पर जिस तरीके से देश के अंदर विभाजन की राजनीति चल रही है, तो हमारे पास अब कुछ दस्तावेज है नहीं दिखाने के लिए कि हम लोग सरकार को क्या दिखाएं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार हमला कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आप एनआरसी और सीसीए के जद में अगर आ रहे हैं तो आपको अहम दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। तो हम लोग अपने पुरखों की कब्रगाह पर आए हुए हैं क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए। तो इस मुल्क के हम पाशिंदे हैं, इस मुल्क के हम बंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी इसी मुल्क में रहे हैं और इसी मुल्क में जमींदोज हो गए हैं। तो हम अपने पुरखों की कब्रगाह पर आ करके उनसे इस बात की गवाही ले रहे हैं कि आप उठिए और गवाही दीजिए कि हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के हम पाशिंदे, इस मुल्क के हम रहनुमा हैं। और अगर डिटेंशन कैंप में हमको रखा जाता है तो हमारे पुरखों की कब्रगाह से इनको भी निकाला जाए, इनकी कब्रों को भी उठा करके डिटेंशन कैंप पर रखा जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मित्र मेरे भाई, इस मुल्क की न्यायपालिका पर और इस मुल्क के संविधान पर हम सबको भरोसा है मेरे भाई, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। फिक्र मत कर मेरे दोस्त, उसने कहा है कि एक इंच नहीं हटेंगे, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल से सरकार से हटने जा रहा है।